अस्सलामुअलैकुम टेलर न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की आवाम से कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद की अपील। तमाम लोग बाजारों और दीगर हजूम वाले मुकामात पर एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करें। मसाजिद, इमाम बारगाहों, तरावी मजालिस और जलूसों में भी एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ट्वीट। इंतखाबी इस्लाहात नहीं होंगी तो हर इंतखाब के बाद रोना धोना होगा, सियासी अमल जमूत का शिकार होगा। वज़ीर आज़म ऐसा इंतखाब चाहते हैं जिसकी शफाफियत पर कोई उंगली ना उठा सके। नून लीग इंतखाबी इस्लाहात के लिए संजीदा नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत चौधरी फवाद हुसैन और डॉक्टर बाबर अमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क में कोरोना की शिद्दत बरकरार, मजीद 89 अफराद जान बहक। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 45,954 टेस्ट किए गए, 4,213 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.16% रिकॉर्ड। मुल्क भर में आज से 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज। एनसीओसी के मुताबिक इन अफराद की वैक्सीन रजिस्ट्रेशन 27 अप्रैल से शुरू होगी। वैक्सीनेशन मराकज में रमजान के दौरान दो शिफ्टों में अवाम की वैक्सीनेशन की जा रही है। शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात बहुत जरूरी हैं, और अगर इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट का फाल किरदार है तो फिर हम चाहे जितनी भी कानून साजी कर लें, इंतखाबात मुतनाज़े रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी। कल रमजान बाजार में मिसमैनेजमेंट थी। रमजान बाजारों में अवामी सहूलत के बजाय इस्तेहसाल का नोटिस लिया। फिरदौस आशिक अमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 32,13,000 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड। 15,33,61,000 से ज्यादा अफराद मुतासर, जबकि 13,06,48,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो गए। भारत में कोरोना के फैलाव में मजीद तेजी। एक रोज में 3,70,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। हलाकतों का सिलसिला भी ना थम सका। वायरस ने मजीद 3,422 अफराद की जान ले ली। मजमूई तादाद 2,19,000 से तजावुज कर गई। कैंडी में श्रीलंका ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में 209 रन से शिकस्त देकर दो मैचेस की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। 11 विकेट हासिल करने वाले प्रवीण जियाक्रोमा मैच और दमत कोरारत्ने सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। आपको बताएं कि आज पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में भी आज़ादी सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नरगिस सदीकी ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहजा कीजिए। तीन मई को आज़ादी सहाफत का आलमी दिन मनाया जाता है। आलमी यौम आज़ादी सहाफत का दिन मनाने का आगाज 1991 से शुरू हुआ था। इस दिन अहले सहाफत इस बात की तजदीद करते हैं कि किसी भी दबाव, लालच, पुरतशद्दत अनासर या रियासी दबाव के बग़ैर आज़ाद, सही और ज़िम्मेदाराना इत्तला'आत आवाम तक पहुँचाने के बुनियादी हक के लिए लड़ते रहें। जबकि सहाफ़ी अपने पेशा वाराना फ़राइज की अदायगी जारी रखने के अज़्म का इरादा करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज जब हम 3 मई के वाले से आज़ादी सहाफत की बात करते हैं, आज़ादी इज़हार की बात करते हैं, तो मुझे वो मार्शल्ला के अदवार भी याद आते हैं। ज़ियाउल्लाह का दौर था और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। वो जो तसलसल आ रहा था उसमें कोई कमी नहीं हुई। जमहूरियत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक आप इजहार राय की आज़ादी को यकीनी नहीं बनाते। सहाफत का शोबा है वो काफ़ी हद तक फाइनेंशियल क्रंच का शिकार है, और उसकी वजह शायद ओवरऑल एक तो जो मौजूदा जो 2-3 साल की मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में जो फाइनेंशियल पॉलिसीज थी उनकी वजह से जो एक इम्पेक्ट आया उसका भी सामना करना पड़ रहा है। उन सहाफ़ियों की कुर्बानियों को याद रखा जाना चाहिए जिनकी वजह से आज हम बड़े बेहतर तरीके से और बड़े मुनासिब माहौल में जी रहे हैं। मीडिया की आज़ादी माशरती एहसासी जिम्मेदारी से मशरूत है। अवामी मफादात के लिए सच्चाई को सामने लाने वाले सहाफ़ी काबिल तहसीन हैं। हमारे वो सहाफ़ी जो हक और सच के लिए खड़े होते हैं वो माशरे का आईना होते हैं।
हम उन सहाफ़ियों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने हक की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। कैमरामैन बिलाल भट्ट के साथ नरगिस सिद्दीकी, टैलेंट न्यूज़, लाहौर। नरगिस सिद्दीकी की रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट जानने के लिए रहिए टैलेंट न्यूज़ के साथ।